हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मैटिनी में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों, भोला का फुल रिव्यू। जी हाँ दोस्तों, आपने फर्स्ट हाफ का रिव्यू तो सुन लिया, तो चलिए जानने की आप कोशिश करेंगे फुल रिव्यू। जी हाँ दोस्तों, इंटरवल के बाद मूवी कैसी है। मैंने फर्स्ट हाफ में जितने भी सिक्वेंसेस हो, दीपक डोगरियाल का एक उनका काम हो, तब्बू मैम का काम हो, सब चीज़ों की बातें की मैंने दोस्तों। लेकिन अब जानने की कोशिश करेंगे कि फुल मूवी कैसी है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले ना आपको बता दूँ ना, अजय देवगन, जी हाँ दोस्तों, अजय देवगन ने जो इस मूवी का स्क्रिप्ट उठाया है ना, जिन्होंने कैथी मूवी का जो रीमेक किया ना भाई, मैं तो बोलूँगा ना, अजय देवगन के अलावा ना ये रीमेक ना कोई कर ही नहीं पाता और किसी पे ना ये सूट करता ही नहीं। सच्ची बोल रहा हूँ, लिटरली जिस तरीके से उन्होंने काम किया ना यार, मतलब कि यार जिस तरीके से वो शांति, आप सोचोगे ना कि अजय देवगन डायलॉग बोलेंगे, बहुत कम डायलॉग बोले वो, बहुत कम, एकदम शांति यार, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम शांति, सच्ची बोल रहा हूँ। स्टोरी वही है बेटी वाला, कि बेटी से वो मिलने जाते हैं 12-13 साल के बाद जेल से छूटते हैं, लेकिन किस तरीके से वो मुसीबत में बस फंस जाते हैं। और तब्बू मैम जो पुलिस ऑफिसर बनी है, उनका नाम है डायना, लोग उनको डायना डायन भी बोलते हैं, विलन लोग डायन बोलते हैं उनको। खैर जोक्स अपार्ट दोस्तों, तो गाइस सुपर्ब लगा मेरे को फर्स्ट हाफ तो बताया आपको, लेकिन सेकेंड हाफ थोड़ा सा मूवी स्लो हो जाती है, हल्का सा लगेगा आपको कहीं कहीं पर बोरिंग, लेकिन नो डाउट मूवी बैठा के रखती है। एक्शन सिक्वेंसेंस तिरसुल वाला, माय गॉड भाई ना, आप ना हार्ट अटैक से मर जाओगे, ऐसे ऐसे देखोगे तिरसुल घुसा रहे तेरे विलन लोगों, इधर घुसा रहे उधर घुसा रहे, अरे भाई मतलब कि जिधर मूड आ रहा उधर घुसा रहे, अब हड्डी तोड़ रहे यार, एक पंच मार रहे यहाँ से, यहाँ गप से यहाँ से हड्डी टूट रहा है, अरे भाई इस तरीके से हड्डी तोड़े ना अजय देवगन, दुश्मन ना 10 साल तो छोड़ो 20 साल तक ना उठेगा वो, लिटरली बोल रहा हूँ। इस तरीके से उन्होंने हड्डी तोड़ा, और तिरसुल यार जिधर मूड में आ रहा उधर घुसा रहे अजय देवगन यार, जिधर मूड में आ रहा उधर घुसा रहे, सुपर माइंड ब्लोइंग यार, सुपर दोस्तों। उसके बाद एक जेल का सिक्वेंसेंस है जहाँ पे ना विलन लोग दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या होता पता है, वहाँ पे डीजे बजाने लगते हैं, कौन, संजय मिश्रा। हालांकि संजय मिश्रा सर का काम जो है ना छोटा ही है, लेकिन कड़क है यार, बंदे ने दिल जीत लिया, सच्ची क्या काम किया यार, सुपर। और वो जो डीजे बजाते हैं ना, उसमें गाना सुन के ना आपको हंसी आएगी, सच्ची बोल रहा हूँ यार, क्या गाना है, गमछा बिछाई गया लिटरली यार, मेरे को ना यूपी बिहार वाला फील आ गई, सच्ची बोल रहा हूँ। यूपी बिहार वाले लोगों को ना ये काफ़ी पसंद आएगी, मतलब ये नहीं कि थोड़ा सा बजा और रुक गया सॉन्ग, ऐसा नहीं, और अच्छा पूरा पूरा सॉन्ग ही बजा दिया यार गमछा बिछाई के। लेकिन जो भी बोलो यार, मज़ा आ गया यार, फुल मास मूवी है दोस्तों, मास ऑडियंस को ये मूवी बहुत पसंद आने वाली है। देखो मूवी में इमोशंस बहुत अच्छा है, जिस तरीके से इमोशंस को उन्होंने डाला है ना यार, सुपर। और सबसे बड़ी बात क्या पता है, उनकी जो बच्ची, छोटी बच्ची जो बेटी का रोल प्ले कर रही है ना यार, क्या काम की है यार। क्लाइमेक्स की बात कर रहा हूँ मैं, क्लाइमेक्स में एक सीन में जब वो अजय देवगन पूरा विलन वगैरह को मार देते हैं ना, तब बेटी से मिलते हैं ना सामने, तो वो बोलते तब्बू से कि क्या बात करूँगा मैं, तो तब्बू मैम बोलती है ना तुम बात नहीं करोगे, वो बात करेगी तुमसे। जब वो जाते हैं ना यार, जब उनका फेस होता ना सामने सामने, मतलब कि यार वो सीन देख के ना आपके आँखों से ना आंसू आ जाएंगे, जिस तरीके से वो छोटी बच्ची बोलती है ना प्यार से, यार आप कौन लगते हो मेरे, लिटरली ना गूज़बम्प्स पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं यार, सुपर। देखो मूवी में इमोशंस उन्होंने डाली दिया है, एक्शन जबरदस्त है, म्यूजिक बोले तो यार रवि बासुर का सोने पे सुहागा, कोई कमी नहीं है दोस्तों। ये नहीं है चार चार सॉन्ग था, मेरे को लगा कि चारों सॉन्ग थे, मैंने पिछले वीडियो में एक बार वीडियो डाला था, मैंने आपको बोला था ना तीन सॉन्ग है, तो तीन ही सॉन्ग है दोस्तों, एक है नज़र लग जाएगी, वो आइटम नंबर भी ज़्यादा नहीं है, ज़्यादातर बैकग्राउंड वाला विलन को दिखाएगा और सॉन्ग कम दिखाएगा, और तो सॉन्ग ज़्यादा नहीं है दोस्त, तीन सॉन्ग है, बहुत अच्छा है दोस्तों, 2.5 घंटे की मूवी है, ज़बरदस्त है, पैसा वसूल है दोस्तों, मज़ा आ गया। फर्स्ट हाफ भी कड़क, सेकेंड हाफ थोड़ा सा बोर करती है, लेकिन बैठा के रखती है, इतना पता है दोस्तों, 10-12 मिनट थोड़ा सा लगता है कि मूवी छूट गई है, लेकिन फिर जो पकड़ती है ना यार, ज़बरदस्त पकड़ती है दोस्तों, और फुल पैसा वसूल। तो गाइज बस इतना ही, अगर मूवी की रेटिंग की बात करें तो दोस्तों इस मूवी को मैं दूंगा 4 स्टार। जी हाँ दोस्तों, 4 स्टार लाइक मूवी है यार, तो 4 रेटिंग देता हूँ इसको दोस्तों। बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और वो जो बेल आइकन का घंटा है ना उसको दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।